अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था नेहा बंदरिया के बारे में, ये ऐसी बंदरिया है कि लाल मुंह की बंदरिया नहीं है, ये काली मुंह की बंदरिया है। इसकी सच्चाई देखिए इसकी रिकॉर्डिंग पे, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये इतनी बड़ी बंदरिया काली है कि इसकी जो क्वालिटी है ना, मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानेगा। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा, इसके बात करने का स्टाइल देखो, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाती है। ये बेटी वाली बात जो है, अगर हमने बोल दी तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन आप बोल रहे हो आप मामू के लड़के हो, ठीक है। ये जो आपको बात पता चली है ये अम्मा के थ्रू पता चली है, मतलब आपकी दादी के थ्रू जो इनकी नानी है। अगर इनकी नानी बोल दे ये बात, हालांकि उनका लेना नहीं है, मतलब नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन प्रूफ के तौर पे आप उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर लो या वीडियो रिकॉर्ड कर लो इस बारे में बात करते हुए, कि बाद में प्रूफ रहेगा कि भाई नानी ने बोली है, इसका मतलब ये बात सच है। क्योंकि ये तो बिल्कुल इस बात को दफन करके बैठ गए हैं, ये तो कहीं दुनिया में पता ही नहीं है। और ये बात अगर प्रूफ हो गई तो इसके बाद कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जो इंसान अपने बच्चे के बारे में नहीं बता रहा वो दुनिया में फिर क्या ही किसी को ज्ञान दे रहा है। जरूर साथ देगा, हमारा भी साथ देगा, क्योंकि सच को दिखाने में कोई बुराई नहीं है, सच सामने आना चाहिए दुनिया के। अल्लाह हमको उसमें कामयाब करे। आप ये बताओ कि आपकी वॉइस हम वीडियो में सुना दें, मतलब ब्लॉग में, और आगे आपका नाम भी रिवील कर दें, आपकी रिश्तेदारी रिवील कर दें, इसमें आपको अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मुझे बस इतना मैसेज करके बता दो है कि नहीं है। अरे छोटे भाई, नेहा बंदरिया के बारे में आज तुम कुछ बोलोगे? मैंने तो बहुत कुछ यूट्यूब चैनल पे बोला है। मैं क्या बोलूंगा, बस मैं यही बोलूंगा, नेहा बंदरिया तुम इब्राहिम फैमिली को कंपेयर नहीं कर सकते। आप क्या हो आप पहले ये देखो, और इब्राहिम फैमिली को आप उनका नाम लेके आप उनके नाम से रोटी सेक रहे हो अपनी, ठीक है। आप अपना चैनल चलाने के लिए तो आप अपना टैलेंट दिखाओ ना। इंसान अपना खुद का टैलेंट दिखाता है, दूसरों के कंधे में रख के आप बंदूक चला रहे हो, सबसे पहली बात, ठीक है। और इब्राहिम फैमिली क्या है और आप क्या हो ये दुनिया जानती है, मैं अपनी जबान से क्या बताऊं, ठीक है। खैर छोड़ो, ये सब तो होता रहता है। इसके बाद आपने कहा आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग वैसा करते हैं, तो क्या करते हैं ये भी तो बता दो। अपने भक्त की क्या की, दूसरों के ऊपर बात बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। नेहा बंदरिया आप अपने गिरेबान में झांको कि हम क्या हैं, तुम कहां के रहने वाले हो, तुम क्या हो, हम तुम सब कुछ जानते हैं। मगर मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था अभी तक कि क्या मतलब है क्या, बट जब इब्राहिम फैमिली का नाम आया ना तो फिर मैंने ये बात बोली कि भाई इब्राहिम फैमिली क्या है और तुम क्या हो। तुम उनके नाम से अपने घर की रोटियां सेक रहे हैं, इब्राहिम फैमिली तुम जमीन हो। इब्राहिम नेहा बंदरिया, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी रिकॉर्डिंग सुनाने का, अब मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। लेकिन बंदरिया एक चीज तेरे को बता रहा हूँ, ये अभी मेरा एड है और पिक्चर तो अभी बाकी है, और खेल तो अब शुरुआत हुआ है, अभी तक तो रमजान शरीफ थी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम मुझसे क्या कॉल पे बोलते थे, और वो जो है ना तुम्हारा जोरू का गुलाम ऐसे ऐसे करने वाला, उसको भी मैं बता रहा हूँ। तुम मदारपुर की रहने वाली, और तुम्हारे बारे में मैं कितना जानता हूँ वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब शुरुआत हुई है, देखते हैं।